आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे इंटरप्ट स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम देखेंगे व्हाट आर इंटरप्ट, स्टेप्स ऑफ इंटरप्ट प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ इंटरप्ट विद एजी नोट्स। ये टॉपिक आज हम सीखेंगे और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में जनरली पूछा जाता है। लेट्स सी दिस टॉपिक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से इसे सब्सक्राइब करें। वेलकम टू वन बीट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। लेट्स सी व्हाट आर इंटरप्ट्स। इंटरप्ट इज अ सिग्नल विच इज सेंड फ्रॉम ए हार्डवेयर डिवाइस और फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू द सीपीयू। तो ये एक सिग्नल होता है जो कि या तो हार्डवेयर डिवाइस भेजता है या सॉफ्टवेयर भेजता है, सीपीयू को भेजता है। द इंटरप्ट सिग्नल कॉजेज द सीपीयू टू टेम्परेली स्टॉप व्हाट इट इज एग्जीक्यूटिंग एंड सर्विस द इंटरप्ट। तो जब भी ये सिग्नल आता है, ये रिक्वेस्ट आती है, तो सीपीयू अपना काम टेम्परेली स्टॉप करता है और इंटरप्ट को सर्विस प्रोवाइड करता है। इंटरप्ट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो ये हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर डिवाइस की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट रहती है कि उनको इमीडिएट सर्विसेज चाहिए होती है सीपीयू की, प्रोसेसर की। तो जब भी ये रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेस्ट को तुरंत जो है सीपीयू प्रोसेस करता है और हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो भी है इनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। Interrupt is a mechanism that causes CPU to transfer its control from current executing program to another program whenever any internal or external request comes. तो जब भी इस तरह की internal external request आती है तो CPU अपना control जो है current executing program से हटा देता है और जो program की request आई है उस program को जो है पहले service provide करता है। ठीक है, तो इट मीन्स जो है ये अपना करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए छोड़ता है और नई रिक्वेस्ट को जो है प्रोसेस करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है नई रिक्वेस्ट को, एंड देन अगेन फिर उस करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम पे आ जाता है जैसे ही वो रिक्वेस्ट फिनिश होती है। इंटरप्ट प्रोसेस के स्टेप्स क्या रहते हैं, स्टेप्स देख लेते हैं। एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज इश्यूड टू द सीपीयू इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आती है सीपीयू के पास सिग्नल की फॉर्म में। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट भेजता कौन है, हार्डवेयर या तो या फिर सॉफ्टवेयर। सीपीयू स्टोर्स द करंट स्टेटस ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इन ए सेपरेट रजिस्टर कॉल्ड PSW या फिर प्रोग्राम काउंटर या फिर मेमोरी स्टैक। तो जैसे ये रिक्वेस्ट आती है तो जो भी उसका करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है उसका जो भी स्टेटस चल रहा है उस स्टेटस को सबसे पहले वो रजिस्टर में नोट कर लेता है। तो ये रजिस्टर या तो PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हो सकता है, प्रोग्राम काउंटर हो सकता है या मेमोरी स्टैक हो सकता है, कोई भी रजिस्टर में वो इसका जो है स्टेटस सेव करता है पहले। CPU नाउ बिगिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब ये ISR को जो है इसके एग्जीक्यूशन को बिगिन करता है, ISR को स्टार्ट करता है और उस इंटरप्ट को हैंडल करता है। एज सून एज द सर्विस प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, और जब ये सर्विस प्रोग्राम ये इंटरप्ट सिग्नल इंटरप्ट रूटीन जब ये हैंडल हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, तो कंट्रोल जो है द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड बैक टू द ओरिजिनल प्रोग्राम। फिर कंट्रोल को फिर से ओरिजिनल प्रोग्राम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इंटरप्ट्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं, तीन तरह के इंटरप्ट्स रहते हैं, एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, इंटरनल इंटरप्ट्स एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। तो इसके अलावा भी इंटरप्ट्स होते हैं जो कि होते हैं वेक्टर्ड, नॉन वेक्टर्ड, मास्ड, नॉन मास्ड, पर ये इंपॉर्टेंट इंटरप्ट्स हैं जिनको हम जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे लिए करेंगे। फर्स्ट इंटरप्ट इज एक्सटर्नल इंटरप्ट जिसको हार्डवेयर इंटरप्ट्स भी बोलते हैं। This is arise from external source like from IO device. तो IO device से जो generate की जाती है, external source से जो generate होती है वो होती है external interrupt, या फिर या तो ये IO device से generate होती है या फिर timing device से या फिर circuit monitoring power supply से। ठीक है, तो IO device से generate कैसे, for example जैसे कि keyboard में जब भी हम कोई key press कर रहे हैं तो ये एक interrupt ही होती है सीपीयू के लिए। जैसे माउस में अगर हमने उस माउस को मूव किया, सेलेक्ट किया, तो भी एक इंटरप्ट हमने जनरेट की। तो इसी तरीके से जब अगर हमारा सिस्टम बाय चांस हीट हो जाता है तो एक इंटरप्ट जनरेट होती है और जो है उसके बाद फैन ऑन कर दिया जाता है, तो ये भी एक इंटरप्ट होती है। या फिर जैसे अगर हमने पावर ऑफ हो गया हमारा सिस्टम बीच में काम करते करते, तो ये भी एक इंटरप्ट है जो है हार्डवेयर की तरफ से। तो ये इंटरप्ट आईओ डिवाइस से हो सकते हैं, टाइमिंग डिवाइस से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, या फिर एक पावर सप्लाई, सर्किट मॉनिटरिंग एटसेट्रा, कहीं से भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आईओ डिवाइस जैसे कि डेटा, जब भी उसको डेटा ट्रांसफर करना है तो वो एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो दैट इज इंटरप्ट। टाइमिंग डिवाइस,
ये सीपीयू को इंटरप्ट भेज सकता है कैसे, टू इंडिकेट इलैप्स्ड टाइम ऑफ एन इवेंट, बताने के लिए, ये बताने के लिए कि इवेंट जो है वो उसका टाइम फिनिश हो गया है। पावर सप्लाई, ये सीपीयू को इंटरप्ट भेज सकता है कैसे, टू इंडिकेट ए पावर फेलियर, ये बताने के लिए कि पावर फेलियर हो गया है। तो इस तरह कोई भी चीज़ हम बता रहे हैं सीपीयू को, दैट इज इंटरप्ट। नेक्स्ट इज इंटरनल इंटरप्ट्स, दिस इज आल्सो नोन एज ट्रैप्स। इंटरनल इंटरप्ट्स को ट्रैप्स भी बोलते हैं, और ये हमारे डेटा, हमारे प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अगर वो इंस्ट्रक्शन इलीगल हैं, एररनियस हैं, तो इस तरीके के इंटरप्ट जनरेट होती हैं। फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय जीरो, जैसे इंस्ट्रक्शन गलत लिखी हुई है, डिवाइड बाय जीरो एररनियस इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, या स्टैक ओवरफ्लो हो गया है, या रजिस्टर ओवरफ्लो हो गया, या प्रोटेक्शन ओवरफ्लो हो गई है, तो इन सभी केसेज में जो है एररनियस सिग्नल जनरेट होता है, दैट इज इंटरनल इंटरप्ट। इफ़ प्रोग्राम इज डन अगेन विदाउट चेंजेज, अब इंटरनल इंटरप्ट वाले प्रोग्राम को अगर आप बार बार रन करेंगे, ठीक है, बिना चेंज के, तो इंटरनल इंटरप्ट हमेशा ही अक्कर करेगी एग्जैक्टली इन सेम प्लेस ईच टाइम, उसी प्लेस पे हर बार जो है इंटरनल इंटरप्ट आएगी, अगर आप उसी प्रोग्राम को, जो इंटरनल इंटरप्ट वाले प्रोग्राम को बार बार रन करते हैं बिना चेंजेज के, तो बार बार इंटरनल इंटरप्ट आती है सेम प्लेस पर। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरप्ट्स आर इनिशिएटेड बाय हार्डवेयर सिग्नल्स। जो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरप्ट्स पढ़ी वो तो हार्डवेयर सिग्नल्स के थ्रू इनिशिएट की जाती हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होती हैं, दैट इज बीइंग इनिशिएटेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन पर इनिशिएट होती हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। इट कैन बी यूज बाय प्रोग्रामर टू इनिशिएट एन इंटरप्ट प्रोसीजर एट एनी डिजायर्ड पॉइंट इन द प्रोग्राम। ये हमारा प्रोग्रामर जो होता है वो इसको जो है यूज कर सकता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को, कैसे, इंटरप्ट प्रोसीजर को इनिशिएट करने के लिए प्रोग्राम के किसी भी डिजायर्ड पॉइंट पर, किसी भी डिजायर्ड पॉइंट पर इंटरप्ट जो है इनिशिएट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं वो इट मेन, ठीक है, और यहाँ हम जो है स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शंस लिखी और बीच में हमने यहाँ पे ओपन कर दी कोई भी फाइल, ओपन फाइल करके जो है कोई फाइल उठाई, तो जैसे ही ओपन फाइल की ये इंस्ट्रक्शन मिली, इससे क्या हुआ, फाइल हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में होती है, तो इसको सेकेंडरी स्टोरेज पे जाना पड़ेगा उस फाइल को उठाने के लिए, ओपन करने के लिए, तो यहाँ पर एक इंटरप्ट जनरेट हो रही है, ठीक है, दैट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। फॉर एग्जाम्पल द एरर रूटीन्स एग्जीक्यूटेड बाय सीपी प्रोग्राम, या फिर प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर रूटीन्स जब भी जनरेट होती है, दैट इज आल्सो द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने सारी इंटरप्ट्स पढ़ ली, अब इससे आगे के लेक्चर भी हम जो है देख लेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहें और लाइक शेयर इसे जरूर करें। अगर लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ गया है, कमेंट सेक्शन में हम से आप बता सकते हैं जो भी आपको कुछ पूछना है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।